हाय दोस्तों, मैं हूं प्रसेनजीत और आप देख रहे हैं इजी एक्सेल चैनल। आज हम लोग बात करेंगे लेन फंक्शन के ऊपर। ये बहुत ही छोटा फंक्शन है, बहुत ही आसान सा एक फंक्शन है, लेकिन बहुत ही काम का फंक्शन है। ठीक है, मतलब अगर आप कोई कंडीशन के ऊपर, मतलब कोई कंडीशन फंक्शन लगा रहे हैं और वो नेस्टेड हो अगर, तो तब जाके लेन फंक्शन बहुत काम में आता है। मैं डालूंगा लेन फंक्शन कितना जरूरी है ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और घंटे आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, तो मिस ना हो जाए इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये लेन फंक्शन होता क्या है। लेन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एक सेल के अंदर कितना कैरेक्टर है बस ये उसका काउंट बताता है, बस इतना इसका काम है, बहुत ही छोटा है। तो देखिए, डेटा है मेरे पास, एक तो अल्फाबेटिकल डेटा है, तो न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक, अल्फाबेटिकल, मिक्स्ड डेटा है। सबके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि किस किस के ऊपर ये लेन फंक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैंने लेन लगा दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे प्लस लगे कोई बात नहीं, प्लस के साथ प्लस भी जाता है, इजुगल टू भी जाता है। चलिए मैंने इजुगल टू कर दिया। अच्छा, ब्रैकेट नहीं डाला था मैंने, ले लिया। अभी देखिए डाल दिया, देखिए हो गया बस, और कुछ नहीं, हो गया, इतना ही आसान सा। अभी देखिए यहाँ पे पांच कैरेक्टर दिख रहा है हम लोग, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे पांच ले लिया। यहाँ पे दो कैरेक्टर है सेल के अंदर, तो यहाँ पे दो ले लिया। ठीक है, अभी सारे सेल को कॉपी करके पेस्ट करते देखते हैं कैसे मैंने यहाँ पे देखा। देखिए तो यहाँ पे तो एकदम फ्रेश डेटा है, आपको तो पता चल ही रहा है कि एक लेटर का काउंट आ गया। यहाँ पे देखने का बात है, लेन फंक्शन पॉइंट पे भी लेता है, सिंबॉलिक के ऊपर भी लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे नौ क्यों ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इसीलिए मैं स्पेस दे के रखा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि ये जो है ये स्पेस के ऊपर भी काम करता है। इसलिए ना ये नौ मतलब नौ ले लिया, क्योंकि यहाँ पे नौ तो स्पेस दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए 17 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तीन है, क्यों है, क्योंकि इसके बाद एक तो स्पेस है। ठीक है, अभी देखिए, हालांकि ऐसा तो जनरल फॉर्म में नहीं होता है कि नंबर के अगर पिछले बाद में या आगे कोई स्पेस हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप कोई पीपीटी की स्लाइड से कोई डेटा उठा रहे हो, एक्सेल में पुट कर डाल रहे हो, तो तब क्या होता है, तब ना ये नंबर के आगे या पीछे ना स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो तब अगर आप कोई काउंट लेके काम कर रहे हो या लेन फंक्शन को डाल रहे हो, तब ये गलत हो सकता है। इसीलिए मैंने आप लोग को ये दिखा दिया कि स्पेस भी इस काउंट में आता है। ठीक है, मतलब कुछ भी कैरेक्टर होगा या पॉइंट भी होगा तो ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पॉइंट का आगे दो पीछे दो, मतलब पांच हो गया, देखिए पांच ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यही है, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस कीजिए। इसका खासियत आपको मैं बाद में एक वीडियो में दिखाऊंगा कि लेन कितना खास फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ एक फंक्शन है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको छोटा समझ के इग्नोर मत कीजिएगा, देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कोई भी चीज बेकार नहीं होता, ओके ना। तो आज के लिए इतना ही है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, एक नया फंक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।